दोस्तों, क्या आपको भी मच्छर काट काट के कर दिए है आपको बुरा हाल? तो आज मैं बिल्कुल घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जो बिल्कुल ज़बरदस्त है और कारगर है और कोई ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसको आपको जला के छोड़ देना है रूम में या कहीं भी जला के छोड़ देंगे, जहाँ तक इसकी गंध जाएगी वहाँ तक के मच्छर यूं गायब हो जाएंगे जैसे पेट्रोल धरती पे गिरते ही गायब हो जाता है। तो आज मैं मच्छर भगाने का बिल्कुल ज़बरदस्त उपाय लेके आया हूँ, जो ये उपाय पूरा यूट्यूब पे आज तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ये बाज़ार में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, वो भी फोकट में। हर कोई आपको दे देगा, बोलेगा कि ले जाइए, इसकी कोई काम नहीं है। इसको मंजन बनाने के भी काम में लोग लेते हैं, दांतों पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, वो नुस्खा है क्या, वो क्या चीज़ है और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा और बहनों को शेयर कर दें, ताकि जो लोग आजकल डेंगू मच्छर या चिकनगुनिया मच्छर से परेशान हैं उन्हें उनसे उनको छुटकारा मिल जाए और मुक्ति मिल जाए और आपको एक भी मच्छर काट ना पाए और पूरी रात आप बिल्कुल आसानी से सोएं। तो वो क्या है, तो ये आप देख रहे हैं जादू की छड़ी है। ये जादू की छड़ी जो आप देख रहे हैं, इसके पत्ते आप देख रहे हैं, इसके पत्ते ऐसे होते हैं। इसको जब आप जलाएंगे ना, थोड़ी सी ये सस्ती आपको बिल्कुल फोकट में मिल जाएगी, दुकानदार आपको एकदम बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो इसको क्या करना है, आपको ये सूखा हुआ रहना चाहिए, या ध्यान रखिए ये सूखा हुआ रहना चाहिए। इस तरह आपको जला देना है, या आप डंटी भी जला सकते हैं। अगर नहीं जल रहा है तो थोड़ा सा धूप में रख दें इसको, नहीं तो थोड़ा सा तेल डाल दें इसमें। इस तरह ये फैल जाएगी, आप देख रहे हैं इस तरह। और इसकी गंध जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ मच्छर तो क्या, मक्खी तक भी भाग जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं खैनी, जो हम लोग खाते हैं ना, खैनी जो लोग बड़े बुजुर्ग खाते हैं, उसी की ये डंटी है। वो सूखा हुआ रहना चाहिए, सूखा हुआ रहने पे बिल्कुल आसानी से जल जाएगा आपका। ये वीडियो पे पहली बार आए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों और माता बहनों में ज़रूर शेयर कर दें। ये बिल्कुल कारगर नुस्खा है, आजमाया हुआ है। रूम में बंद करके आपको बस 2 से 5 मिनट छोड़ दे इसको, ये अपना असर खूब दिखा देगा, कोने कोने में से मच्छर यूं भगा देगा। इसका परिणाम, जब मैं शादी में गया था गांव में, आरा साइड में देहात में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा था। तो यही नुस्खा करके मैंने पूरे जितने लोग बाराती से, तो चैन से सोए, इतना मच्छर काट रहा था तो लग रहा था कि टांग के ले जाएगा। तो यही नुस्खा मैंने किया था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।